नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जहां कल अपने आवास पर सीढ़ी चढ़ने के दौरान गिर गए, तो वहीं गिरने की वजह से उनके कंधे की हड्डी टूट गई है और साथ ही कमर में भी चोट आई है, जिसके बाद उन्हें ICU में भर्ती करवाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि उनका इलाज कर रहे डॉक्टर आशीष रहमान उनकी स्थिति के बारे में बतला रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जो स्थिति थी अस्थिर थी, बिकॉज उनका जो शोल्डर इंजरी हुआ था रिसेंटली, अभी एक टीम ऑफ डॉक्टर हमारे ICU में उनकी स्थिति पर निगरानी रखे हुए, एंड अभी जो स्टेटस है वो स्टेबल है। ठीक है। उनके आने का कारण जो हड्डी में चोट लगी थी, हड्डी की चोट और उनकी जो प्रीवियस डिजीजेस हैं वो है। किडनी में प्रॉब्लम बताया जाए पहले से है। कब तक उम्मीद है कि अगर ऐसे स्टेबल रहेगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, ये कहना भी मुश्किल है। तो लेट्स टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। अभी कैसी स्थिति है? अभी स्टेबल है। अब कब तक रिलीज कर रहे हैं सर आप लोग? अभी इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, जैसे स्थिति होगी उसके अवगत कराते रहेंगे हम लोग। क्या ऐसी भी कुछ है कि बहुत ज्यादा गंभीर मामला है या क्या, ऐसा कैसा चोट है उनको? स्टेबल है, स्टेबल है जी, और अंडर कंट्रोल है। टीम ऑफ डॉक्टर जो हमारे साथ देख चुके हैं और निगरानी की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ब्लड रिपोर्ट्स की है, एक्सरे का है। सर नाम बता दीजिए अपना पूरा। डॉक्टर आसिफ रहमान। सर सुना है कि उनको दिल्ली भी रेफर किया जा रहा है, ये मैं अवगत नहीं हूँ। डॉक्टर आसिफ रहमान क्या मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। तो देखा आपने, आशीष रहमान का कहना है कि अभी लालू प्रसाद यादव की स्थिति ठीक है, उनका एक्सरे करवाया गया है, उनका इलाज चल रहा है, तीन डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी में है और उनके तबियत को लेकर के पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल खबरें यह भी आ रही है कि लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा सकता है, लेकिन इस बारे में जब आशीष रहमान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।